हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी, ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज आपको रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूं। जैसे कि मैंने अभी तक आपको रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़ाया है, पांचा, है ना। अभी दूसरा चैप्टर है जो क्यूब और क्यूबॉइड, घन और घनाभ है, ठीक है ना। तो आपको मालूम है पांचा की आकृति, जो पांचा होता है, डाइस होता है, उसका जो बनावट होती है और जो घन होता है उसकी बनावट सेम होती है। बस घन और पांसे में अंतर होता है कि जो घन होता है वो उसका आकार बड़ा भी हो सकता है ना। तो हम पांसे को घन बोल सकते हैं लेकिन घन को पांसा नहीं बोल सकते। मैं बोल सकता हूँ कि अगर मुझे पांसे डाइस की परिभाषा बतानी हो तो मैं बुक में भी लिखी हुई है कि घन के छोटे रूप को पांसा कहा जाता है, ठीक है ना। तो कोई ऐसी त्रिआयामी वस्तु या थ्री डायमेंशनल वस्तु जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं, घन कहलाता है या क्यूब कहलाता है। तो देखिए, आप पहले यहाँ पर देखिए, जो घन होता है, घन के लिए एक कंडीशन होनी चाहिए कि पहली कंडीशन तो एक ही लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होनी चाहिए उसमें, उस वस्तु में, और दूसरी कंडीशन कि तीनों की तीनों बराबर होनी चाहिए। तो जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होंगे तो क्या कहलाएगा? घन। सिर्फ एक कंडीशन मेन है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होनी चाहिए तो घन कहलाएगा। लेकिन अगर इन दोनों तीनों में से सपोज करो लंबाई, चौड़ाई बराबर नहीं है, या फिर चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं है, या फिर तीनों बराबर नहीं है, ये तीनों कंडीशन वाले सारे केस कहलाएंगे घनाभ के, ठीक है ना। तो जो घन होता है इस टाइप का होता है, आप देख सकते हो उसमें, इसमें देखिए, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है, इसलिए क्या है? घन है। तो इस चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये आते हैं कि जब हम किसी 5 सेंटीमीटर या फिर 3 सेंटीमीटर के बड़े से घन को, इस क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे इसमें 3 सेंटीमीटर है ना, तो हम मान लेते हैं कि हम किसी 3 सेंटीमीटर के बड़े से घन को 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटते हैं और वो बड़ा सा घन लाल रंग से रंगा हुआ है, तो छोटे छोटे ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सरफेस लाल रंग से रंगी हो? छोटे छोटे ऐसे कितने घन होंगे जिसकी 2 सरफेस लाल रंग से रंगी हो? या फिर छोटे छोटे ऐसे कितने घन होंगे जिसकी 1 सरफेस लाल रंग से रंगी हो? या फिर कुल छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? या फिर छोटे छोटे ऐसे घन कितने होंगे जिसकी कोई भी सरफेस लाल रंग से ना रंगी हो? इस प्रकार 5 छोटे छोटे घनों पर क्वेश्चन आते हैं और आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि 5 सेंटीमीटर बड़े से घन को 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो बड़े घन की लंबाई दी होगी और छोटे छोटे घनों की लंबाई दी होगी, मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी होगी, ठीक है ना, क्योंकि घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं। तो जिस प्रकार ये क्वेश्चन में बना हुआ है, ठीक है ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट पहले तो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद एक बहुत सिंपल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, बहुत सिंपल शॉर्ट ट्रिक जिसको देखकर आप सिर्फ माइंड लेवल से सोच के आप आंसर बता सकते हो, ठीक है। तो चलो चलते हैं, पहले मैं आपको एक एक करके वेरिएबल के रूप में समझाऊंगा कि फॉर्मूले कैसे आया है ना। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि एक 5 सेंटीमीटर के बड़े से घन को 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो मतलब मैं बताने क्या चाह रहा हूँ आपको कि बड़े घन की लंबाई दी होगी और छोटे घन की भुजा की लंबाई दी होगी। तो इससे हम एक वेरिएबल निकाल लेते हैं जिसे बोलेंगे x, y, z, कुछ भी बोल सकते हो आप, मैं बोलता हूँ x, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी दिया है, ठीक है ना, उससे हम निकालेंगे x, और x क्या है? x है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। ठीक है, इससे हमारी कौन सी वैल्यू आ जाएगी? x। सपोज करो उसने बोला है कि 3 सेंटीमीटर के बड़े से घन को 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/1, मतलब हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 3। अगर मैं क्वेश्चन में कहा जाता है कि 10 सेंटीमीटर के बड़े से घन को
2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाती है, 10/2 मतलब 5, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के हिसाब से आप कर लोगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू। फिर देखो क्वेश्चन 5 पूछे जाते हैं, सबसे पहले कुल छोटे छोटे घनों की संख्या देखिए क्या लिखा मैंने, छोटी छोटी ऐसी कितनी घन होंगी जिसकी एक सरफेस रंगी हो, छोटी छोटी ऐसी कितनी घन जिसकी दो सरफेस रंगी हो, छोटी छोटी ऐसी कितनी घन जिसकी तीन सरफेस रंगी हो, या छोटी छोटी ऐसी कितनी घन होंगी जिसकी कोई भी सरफेस ना रंगी हो, ठीक है ना। और कुल छोटी छोटी घनों की संख्या कितनी है और हम आंसर को कैसे वेरीफाई करते हैं ये भी देख लेंगे अभी, है ना। तो देखो कुल छोटी छोटी घनों की संख्या कितनी होती है, जो भी हमारी x की वैल्यू आएगी, ये तो मैंने क्वेश्चन ऐसे ले लिया था, बाद में बताऊंगा मैं आपको, x की वैल्यू जो भी आएगी बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा से x की वैल्यू जो भी आएगी हम उसका कर देंगे q। तो x q जो हमारा आंसर आएगा वो बताएगा हमें कि छोटे छोटे घनों की कुल संख्या कितनी आएगी, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया x q, अगर मैं क्या करूं कि x का q ना करके x में से 2 माइनस कर दूं और x माइनस 2 का होल q कर दूं, अभी मैंने क्या किया x क्यूब, अगर x का क्यूब जो भी x की वैल्यू आई उसका मैं क्या कर दूं घन कर दूं, तो हमें कुल छोटे छोटे घनों की संख्या मिल जाएगी। अगर मैं x में से पहले 2 घटाऊं और फिर घन करूं उसका, ठीक है ना, सपोज करो x की वैल्यू 5 आई और 5 में से मैं 2 घटाऊंगा फिर 3 बचेगा, 3 का मैं क्या कर दूंगा घन कर दूंगा, मतलब 3 का क्यूब 27, तो हमें क्या मिल जाएगी छोटे छोटे ऐसे घनों की संख्या जिसकी कोई भी सरफेस कोई भी फलक रंगा नहीं है, है ना, मतलब कोई भी सरफेस ऐसा नहीं है जो रंगा हो, मतलब बीच वाली गलत। तो कैसे निकालेंगे उसको, x माइनस 2 का होल क्यूब। अब देखो और छोटे छोटे ऐसे घनों की संख्या जिसकी तीन सरफेस लाल रंग से रंगी हो, इसका आंसर हमेशा 8 आता है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, है ना। क्यों होता है ऐसा, देखो यहाँ पे, क्योंकि तीन सरफेस जिसकी लाल रंग से रंगी हो या किसी भी रंग से रंगी हो वो सिर्फ कोने पर होते हैं। देखो इसको अगर मैं निकालता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इस छोटे घन को निकालता हूँ तो इसकी तीन सरफेस रंगी मिल जाएंगी मुझे, यहाँ पे से भी, यहाँ से भी और 4 यहाँ से भी। तो जो कोने वाले जो छोटे छोटे घन होते हैं सिर्फ यही ऐसे होते हैं जिसकी तीन सरफेस रंगी हुई होती हैं। अगर भुजाओं के बीच में देखा हूँ तो भुजाओं के बीच में ऐसे होते हैं जिसकी दो सरफेस रंगी होती हैं, किसी भी भुजा के आप बीच में देख लो ऐसे घन मिलेंगे जिसकी दो सरफेस रंगी होगी, और किसी भी सरफेस के बीच में देख लो ऐसे घन मिलेंगे जिसकी एक सरफेस रंगी हो, और इसके मिडिल में होते हैं बिल्कुल पूरे इन सभी पासों के बीच में एक पासा होगा जिसकी एक कोई भी सरफेस नहीं रंगी रहती है, ठीक है ना, समझ में आया होगा आपको। तो इसलिए मैंने लिख दिया कि तीन सरफेस जिसकी रंगी हो, ऐसे छोटे छोटे घन कितने होते हैं, संख्या में 8 होते हैं, हमेशा 8 आएगा इसका आंसर, तीन सरफेस वाले। अब कुछ प्रॉब्लम आती है कि एक सरफेस जिसकी रंगी हो छोटी छोटी ऐसे कितने घन होंगे और उनको कैसे याद करेंगे। देखो बहुत सिंपल तरीका मैं सोच रहा था आपको कैसे बताऊं जिससे याद हो जाए, तो एक मुझे बहुत सिंपल तरीका मिला। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करो, 6 × 1 और 6 × 2, ये क्यों किया मैंने, छोटे छोटे ऐसे घन जिसकी एक फलक रंगी हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, छोटे छोटे ऐसे घन जिसकी दो सरफेस रंगी हो इसके लिए मैंने किसका मल्टीप्लाई किया, 2 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, दो सरफेस के लिए 2 का और एक सरफेस रंगी हो 1 का। अब क्या करना है यहाँ पे, x माइनस 2 दोनों में करना ही है ना, और बस अंतर क्या करना है कि जहां पर 1 है वहां इसके ऊपर 2 कर दो और जहां पर 2 है वहां इसके ऊपर 1 कर दो, इससे आपको याद हो जाएगा। तो एक सरफेस रंगी हो ऐसे घनों की संख्या, तो क्या करेंगे 6 × 1, 1 के लिए 1 यहाँ करेंगे लेकिन 2 यहाँ पे कर देंगे, और दो सरफेस रंगी हो तो 2 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे और 1 ऊपर कर देंगे, ठीक है ना। तो 6 × 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 6 × 1 x माइनस 2 का 2,
ठीक है ना। तो क्या बोला मैंने, इससे पांचों आंसर आ जाएंगे, बस एस की वैल्यू आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो देखो कैसे निकालेंगे, अगर मैं बोलता हूँ कि 3 सेंटीमीटर के बड़े से घन को 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो बताइए कि छोटे छोटे घनों की कुल संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स, एक्स बराबर बड़े घन की भुजा 3, छोटे घन की भुजा 1, 3/1 कितना आया 3, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो एक्स की वैल्यू आ गई 3, ठीक है ना। अब हम क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू जो भी है उसका क्यू कर देंगे, तो छोटे छोटे घनों की कुल संख्या आ जाती है, तो एक्स का क्यू मतलब कितना हो जाएगा 3 का क्यू मतलब 27, तो छोटे छोटे घनों की कुल संख्या कितनी है 27, है ना, 27, 27 छोटे छोटे घनों की संख्या है। इन घनों में कितने घन होंगे, 27 घन टोटल पता चल गया मुझे। अब 27 घनों में ऐसे कितने घन होंगे जिसकी एक फलक लाल रंग से रंगी हो, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 6×1 x-2 का होल स्क्वायर, मतलब x की वैल्यू कितनी थी 3, 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1, तो आंसर क्या आएगा 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर दो रंग से रंगी हो, दो जिसकी दो फलक रंगी हो, तो क्या करेंगे, 6×2 x-2 का 1, अब एस की वैल्यू 3 ही है वो तो फिक्स है, तो 3-2 का मतलब हो जाएगा 1, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ का 12, ठीक है। और जिसकी 3 सरफेस रंगी हो इसका आंसर हमेशा 8 ही आता है, और जिसकी कोई भी सरफेस ना रंगी हो तो यहाँ पर रखेंगे 3-2 मतलब 1, ऐसा आएगा 1। तो कुल मिला के आपको अब चेक करना है कि आंसर हमारा सही है या गलत है। वो कैसे चेक कर सकते हो, जो 1 सरफेस 2 सरफेस और 3 सरफेस से रंगे वाले और किसी भी सरफेस ना रंगी हो जिसकी, इन चारों को जोड़ो और अगर आपके कुल घनों की संख्या के बराबर आ गए तो आपका आंसर सही है। आप ऐड करके देखो, 12, 12 और 6 18, 18 1 19, 19 8 27 होते हैं। तो अपन ने पता कर लिया कि जो कुल छोटे छोटे घनों की संख्या 27 होगी, इन 27 घनों में से 6 घन ऐसे होंगे जिसकी एक फलक रंगी होगी, 12 घन ऐसे होंगे जिसकी दो फलक रंगी होंगी, 8 घन ऐसे होंगे जिसकी 3 फलक रंगी होंगी, और 1 घन ऐसा होगा जिसकी कोई भी फलक नहीं रंगी होगी। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो आपको करना क्या है, अगर मैं बोलूं ऐसे कितने घन होंगे जिसकी तीनों सरफेस रंगी हुई हैं, तो आंसर होगा 8, कुल घनों की संख्या x का क्यूब। ऐसे घनों की संख्या जिसकी कोई भी फलक ना रंगी है, तो x-2 का क्यूब। बस अब अंतर क्या है, 1 और 2 वाला देखना है, ठीक है ना। तो 1 के लिए हमें क्या करना है, 6 में x-2 का होल स्क्वायर का गुणा करना है, जो भी इसकी वैल्यू आई x-2 का होल स्क्वायर का 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 के लिए 12 में मल्टीप्लाई करेंगे x-2 का। तो 12 में मल्टीप्लाई हमें करना है x-2 का, और 6 में मल्टीप्लाई करना है x-2 का होल स्क्वायर का, ठीक है। और 6 में मल्टीप्लाई करेंगे x-2 का होल स्क्वायर, उससे निकलेंगे एक सरफेस रंगी है, और 12 में मल्टीप्लाई करेंगे x-2 का, उससे निकलेंगे दो सरफेस रंगी है। तो देखो डायरेक्ट आंसर कैसे आएंगे, देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ 10 सेंटीमीटर के बड़े से घन को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो वही 5 क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, 10 सेंटीमीटर के बड़े से घन को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो वही 5 क्वेश्चन है। तो पहले अब क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, आंसर क्या आ जाएगा 5, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है, एक्स की वैल्यू 5 आ गई। अगर अब मैं इसी एस का वैल्यू जो आई उसका क्यू कर दूं, तो हमें क्या मिल जाते हैं, कुल छोटे छोटे घनों की संख्या मिल जाती है, तो 5 का क्यू कितना हो जाएगा 125, मतलब कुल छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी आ गई 125। इन 125 छोटे छोटे घनों में से ऐसे घन कितने होंगे जिसकी कोई भी सरफेस ना रंगी हो, मतलब बिना रंग के छोटे छोटे घन कितने होंगे। तो मैंने क्या बोला था, जो भी एक्स की वैल्यू है उसमें से 2 हटाओ पहले, बचेगा 3, और 3 का कर दो क्यू, x-2 का क्यू होता है, तो 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27, तो ऐसे घन होंगे 27। फिर इसके बाद मैंने बताया था कि ऐसे घन कितने होंगे जिसकी 3 सरफेस रंगी हो, तो वो आपको बताया था हमेशा फिक्स रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, और इसका आंसर आता है 8, 3 सरफेस। फिर मैंने बताया था कि प्रॉब्लम होती है 1 और 2 में, एक में क्या करना है, मैंने क्या बोला था, एक में करना है 6 में मल्टीप्लाई करना है x-2 का होल स्क्वायर का, तो x-2 कितना हो जाएगा, x-2 है 3 का होल स्क्वायर, मतलब कितना होता है, वो फॉर्मूले के हिसाब से मैंने बताया था आपको
सिक्स इंटू वन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा उनके लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। टू के लिए क्या करेंगे, सिक्स इंटू टू, दो सर्फिस को दो लिख दिया यहाँ पे, एक सर्फिस के लिए एक लिख दिया, और जहाँ पे एक लिखा तो स्क्वायर में दो लिखेंगे, यहाँ पे दो लिखा तो स्क्वायर में एक लिख देंगे, इसमें एक्स बराबर पाँच रख दो आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं और लोगों को, जो लोग समझ सकते हैं है ना, या जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उसके लिए, उन लोगों के लिए देखते हैं डायरेक्ट। तो एक भुजा रंगी हो, ऐसे छोटे छोटे घनों की संख्या निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस टू का होल स्क्वायर में छः का गुणा कर देंगे। x माइनस टू मतलब पाँच माइनस टू, फाइव माइनस टू कितना हो जाएगा, थ्री। थ्री का स्क्वायर कितना होता है, नाइन। नाइन में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स में, कितना आ जाएगा, फिफ्टी फोर, चौवन। ऐसे ही जिसकी दो सर्फेस रंगी हो उसमें क्या करेंगे, दो सर्फेस रंगी हो उसमें क्या करते हैं आप बताइए, इसमें करेंगे x माइनस टू, एक्स माइनस टू थ्री है हमारा, उसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का, तो 12 इंटू थ्री, 12 यहाँ पे है, यहाँ से 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 36। अब आपको पता करना है आपका आंसर सही है या गलत है, इन सभी को जोड़ो, चारों वैल्यू को किसके बराबर आना चाहिए, 125। तो आप देख सकते हो 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 तो यहाँ पे आ गया, और 7, 7, 14, 7, 21, 22, 23, 24, 25 है ना, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 125। 125 कुल छोटे छोटे घन है, जब हम 10 सेंटीमीटर के बड़े से घन को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटेंगे तो कुल घन कितने बनेंगे, 125। इन 125 घनों में से 27 घन ऐसे होंगे जिसकी कोई भी सरफेस नारंगी हो, 8 घन ऐसे होंगे जिसकी 3 सरफेस रंगी हो, 54 घन ऐसे होंगे जिसकी 1 सरफेस रंगी हो, और 36 घन ऐसे होंगे जिसकी 2 सरफेस रंगी हो। संभवतः आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से नहीं समझा सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, ठीक है ना, उनको अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए कम समय में मैंने ज़्यादा समझाने की कोशिश की है। इसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, आपसे 80% क्वेश्चन बन जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो घन आपके हैं, उसके लिए मैं एक लेक्चर और बनाऊँगा, ये मैंने घन को बता दिया है। घन आपके वैसे भी कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, उसके लिए सिंपल है वो भी, अगर आप देखोगे तो वो भी बन जाएंगे, बस कॉन्सेप्ट याद रखना ये वाला कैसे होगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा सब्सक्राइब करने के लिए चैनल, तो आप उस चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और उसमें पास में बनी हुई बेल रिंग पर क्लिक करके नोटिफिकेशन के लिए उसको क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।